मस्जिद के बाहर उसको किस तरह घसीटा गया, किस तरह मारा गया। सके भाई ने दोनों भाइयों को पहले कत्ल किया, उसके बाद अपनी वालदा को, फिर अपनी भाभी को, फिर छोटे बच्चों को, फिर बड़ी भतीजी को, सात कत्ल एक ही जगह पे कत्ल करके तो यहाँ से इलाका गैर में चला गया। ये मस्जिद है, मस्जिद में एक भाई जो वो सोया हुआ था, और ये रात 2 बजे के करीब का वाकया है, और ये यहाँ पे चारपाई पे बड़ा भाई सोया हुआ था, ये भी आपको दिखाते हैं। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, लाहौर से ये 200 किलोमीटर पाक पतन का इलाका है, बड़ी राख, जहाँ पे 7 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाला जो है वो कोई बेगाना नहीं है, कोई गैर नहीं है, अपना सगा भाई है। उसने अपने भाई को भी मार दिया, वालदा मोहतरमा को भी मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया। वजह क्या बनी ये आज जानेंगे। और ये उस सफाक मुल्जम का घर है जिसने अपने सगे भाई को मौत की नींद सुला दिया, और उनके बच्चों को, सगे भाई के बच्चे जो उसके भतीजे हैं उनको भी मार दिया। ये उसका घर है जो बंद पड़ा है, और जिस जायदाद के लिए मारा है वो अब इधर की इधर ही रह गई है, सामान भी इधर है, सारा कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया इधर रह गई हैं। अब वो बंदा हवालात में है, और जो दुनिया से चले गए उनका कसूर क्या था, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई जान, मैं बलोचमी तल्लक के पाक पतन का रहिशी हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हमने वकुआ देखा है कि सके भाई ने दोनों भाइयों को पहले कत्ल किया, उसके बाद अपनी वालदा को, फिर अपनी भाभी को, फिर छोटे बच्चों को, फिर बड़ी भतीजी को, 7 कत्ल एक ही जगह पे कत्ल करके तो यहाँ से इलाका गैर में चला गया, जो कि आज से एक दिन पहले पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार करके ले आके पाक पतन में बंद कर दिया। नाज़रीन, ये रमज़ानुल मुबारक में ये हुआ है कि दूसरा रोज़ा था, और उस भाई को ये भी तरसना आया कि माहे मुकद्दस है और मैं ये क्या वारदात कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये मुल्ज़म का घर है, आपको दिखाते हैं। ये घर मुर्दम का है, जिनका ये माल डंगर बंधा हुआ उसी तरह, कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं उनका, लेकिन हम लोग पट्टे डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये डंगर हैं, इनका कोई गुनाह नहीं है, मारना वाला ने जो काम किया वो खुद उठाएगा, लेकिन इन बसुओं को, इन डंगरों को इनके हवाले, अल्लाह का रसूल है, लेकिन उसके बाद हम इनको पट्टे डाल रहे हैं। जो भाई को मारा वो बड़ा था छोटा था? वो तीसरी दूसरी जगह, दूसरी जगह। ये सबसे बड़ा है, ये मरने वाला सबसे बड़ा है, उससे छोटे को मारा, मारने वाला दूसरी जगह पे, मारने वाला दरमियान वाली जगह पे। और जो मारने वाला सरवर मुल्जम है, जी जी, उसने अपने भतीजे कितने बांजी, अपना भतीजियां कितने, किन को मारा है? दो भतीजे जेडे छेवी छेवी सतवी सतवी पढ़ रहे सन, दो मारे जी। एक वड्डी भतीजी जिंदी शादी होने वाली सी, जवान बच्ची जी, ओदी मंगनी हुई सी, ओनू मारिया, उस तो बाद अपनी मां नू मारिया, फिर छोटियां बच्चियां नू मारिया, 7 कत्ल उन्हें कठे करते जनाब, फायरिंग करके मारा, फायरिंग करके। वजह क्या है? वजह रकबे की है, जमीन की है, जमीन का तनादा जो कि वो ले चुका था, वो कह रहा था इंतकाल मुझे दो। हम लोग ये बैठ के फैसला ये करते थे कि भाई तू इंतकाल अगर लेता तो जो इनके केस के ऊपर पैसे लगे हुए वो अपना साहब इनको दे दे, तो तू ले ले, इंतकाल तो नहीं तेरे को दिया, लेकिन जमीन तू बाहर है, चला रहा है, खा रहा है, अगर तू इंतकाल लेना चाहता तो इनका खर्चा जो बनता हो इनको दे। कितनी जगह का रोला, कितनी जगह का लड़ाई थी? 6 एकड़ जमीन की लड़ाई थी, और 7 अफराद को अब्दी नींद सला दिया गया। तो ये मुल्जम का घर है, ये कितनी ये जगह है जो घर है? एक कनाल है जी, एक कनाल का। तो अब जो मुल्जम की शादी हुई हुई थी, हाँ जी, बच्चे उसके, बीवी है, कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं जी उसके, और बीवी, बीवी और बच्चे कहाँ? सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। अच्छा, ये माल डंगर रह गया जिसकी हिफाजत आप कर रहे हैं या ख्याल कर रहे हैं, तो ये जगह, ये मुल्जम का घर है। अब आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे मुल्जम ने अपने भाइयों को मारा। अच्छा, ये उन्हीं का रकबा, कितना रकबा है उनका जो है? एक मुरब्बा। नाजरीन, ये जो जगह है यहाँ पे अपने दोनों भाइयों को शफाक मुल्जम ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और ये मस्जिद है, मस्जिद में एक भाई जो वो सोया हुआ था, और ये रात 2 बजे के करीब का वाकया है।
ये जो छोटा भाई है उसका शेरा नामी छोटा भाई था जिसको मस्जिद में कत्ल कर दिया गया और मस्जिद में वो सोया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह उसका ब्लड और किस तरह उसको बेदर्दी से मारा गया, ये आसार नजर आ रहे हैं। मस्जिद में सोया हुआ भाई जिसको मार दिया गया, उस शफाक मुजम को ये भी ख्याल ना आया, तरस ना आया कि ये मेरा ही खून है, मेरा ही भाई है और मस्जिद में है जो एक मुकद्दस जगह है वहां पे उसने मार दिया फायरिंग करके। मस्जिद के बाहर उसको किस तरह घसीटा गया, किस तरह मारा गया। और ये यहाँ पे चारपाई पे बड़ा भाई सोया हुआ था, ये भी आपको दिखाते हैं नाजरीन। ये चारपाई है जहाँ पे बड़े भाई को कत्ल कर दिया गया, ये ब्लड भी लगा हुआ है। इस चारपाई पे वो भाई सोया हुआ था, उसका कसूर क्या था ये आपके सामने उन्होंने बता दिया कि प्रॉपर्टी का जायदाद का तनाजा था, जो जायदाद ना अब उसकी रही ना उसकी रही। मुल्जम जेल चला गया, हवालात चला गया और जो दूसरे भाई जिनको मारा है वो अल्लाह के पास चले गए, कहाँ गई जायदाद, कहाँ गए मामला। तो अब ये सूरत हाल है, ये जगह है और रमज़ानुल मुबारक में मुकद्दस महीने में ये वारदात हुई, ये वाकया पेश आया। तो ये जगह है जो मकतूल है उसकी और उसका वो पीछे आप सामान भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वो बेचारा दुनिया से छोड़ गया। इसके साथ साथ जो बच्चे मासूम बच्चे जिनका कसूर ही नहीं उनको भी मार दिया गया। इतना सफाकी से ये वारदात की गई कि हर बंदा दुख और रंजीदा है कि इतना जुल्म किया गया। अब आपको मकतूल का वो सामान ट्रैक्टर वगैरह दिखाते हैं जो मकतूल बेचारा छोड़ के चला गया, जो अब लावारस पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा ये जो ट्रैक्टर है ये किसका है? ये रूसी ट्रैक्टर जो है बिमाया कराया बुमाए भैंसे, ये मरने वाले का जी मकतूल मकतूल का जिसका नाम कारी इफ्तखार है, इफ्तखार का और छोटे भाई का नाम शोबाज है जी। आपको कैसे पता चला जब ये वारदात हुई, कितनी देर बाद आपको पता चला? ये वकुआ हुआ है जी तकरीबन रात को 2:45 बजे। हमें सुबह पता चला 10 बजे जब दूध लेने वाला आया तो उसने शोर किया भी ये तो लाशें पड़ी हुई, उससे पहले किसी ने बताया ही नहीं। आप इधर ही रहते हैं? नहीं जी मैं शहर में। अच्छा आप शहर में? आपको फोन किया? अच्छा फोन किया तुम्हारा। अच्छा फिर आप आए तो आपने क्या देखा? मैंने देखा जी कि लाशें इसी तरह बिखरी पड़ी थी। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो उन्होंने सबको यहाँ से निकाल दिया कि आप कोई आदमी आगे नहीं आए। नहीं गांव वालों को भी नहीं पता चला? नहीं जी सबको, किसी को नहीं। अगर पता चल जाता तो फिर तो आ जाते, किसी को पता ही नहीं चला जी। फायरिंग होती रही, उस दिन रात को बारिश भी थी और बिजली गड़कती थी तो ऐसे पता चलता था जैसे बिजली बोल रही है। रात के 2 बजे लोग सोए होते हैं। नाजरीन कितना बेदर्दी से मार दिया गया, कितना दुख भरा ये वाकया है कि बच्चों को भी मार दिया गया, दो भाइयों को भी मार दिया गया और वालदा मोहतरमा जिसने पैदा किया, जिसने बड़ा किया और सबसे गोलियां पाला और वालदा मोहतरमा को सबसे ज्यादा गोलियां मार के मार दिया गया। इंतहाई दुख भरा वाकया है। नसीहत अमेज है कि अब किसी के पास कुछ नहीं रहा। भाई जो मारने वाला है वो पुलिस के पास चला गया, हवालात में चला गया, जेल चला गया और जो दूसरे भाई जिनके साथ तनाजा था वो बेचारे दुनिया से चले गए और सामान जो है जिसकी खातर लड़ाई हुई, जो जायदाद है जिसकी खातर मामला यहाँ तक पहुंचा वो यहीं की यहीं रह गई। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बचा। ये भैंसे माल मवेशी लावारस हो गया, बच्चे लावारस हो गए, एक बच्ची जो है वो बेचारी लावारस होगी, बच्चों को मार दिया गया। दुख भरी दास्तान है, अब इससे ज्यादा क्या कहें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमाए और इस तरह के वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इसकी जितनी रोकथाम हो वो मुआशरे के लिए बेहतर है। नाजरीन अब आपको दूसरी वीडियो में वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे एक दूसरी जगह है जहाँ पे वालदा मोहतरमा को और बाकी बच्चों को भी मार दिया गया। आइए मेरे साथ।